दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के टाइम में बिजनेस करना हर कोई चाहता है, लेकिन पैसे ना होने के कारण वो लोग बिजनेस कर नहीं पाते हैं और इसी कारण वो लोग अपने घर परिवार को छोड़ के अलग अलग शहरों में जाके काम करते हैं, जिनमें उन्हें सैलरी मिलती है 10,000, 12,000 या 15,000 या अधिक से अधिक उन्हें 20,000 मिलती है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आज के टाइम में इतनी महंगाई होने के कारण उन लोगों का 20,000 रुपये में या 15,000 रुपये में गुजारा नहीं हो पा रहा है। इसी कारण हम लोग सोचते हैं खुद का बिजनेस करने के बारे में, लेकिन आप लोग जानते हैं पैसे ना होने के कारण वो लोग कर नहीं पाते। और कुछ लोग सोचते हैं जब तक हमारे पास 3-4 लाख रुपये नहीं होता है जब तक हम कोई भी बिजनेस नहीं कर पाते, इसी कारण वो लोग पीछे रह जाते हैं। और दोस्तों एक बात बता दें, आज हम आप लोग को इस वीडियो में एक ऐसा स्मॉल बिजनेस आइडिया लेके आए हैं जिससे आप अपने गाँव घर में रह के इसे बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं और इस बिजनेस से अच्छे खासे प्रॉफिट कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया लेके आए हैं जिससे आप अपने घर परिवार के साथ रह के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और महीने के 40 से 50,000 रुपये कमा सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मात्र आपको 3,000 रुपये लगेंगे। आप इस बिजनेस को 3,000 रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं और महीने के 40 से 50 रुपये कमा सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि ये बिजनेस कौन सा है और कैसे शुरू करें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करें ताकि इस तरह का नए नए वीडियो आप लोग पास जल्द से जल्द मिले। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो बिजनेस आइडिया कौन सा है जिसे हम बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में बने रहें। दोस्तों आप लोग तो जानते होंगे कि आज के टाइम के जनरेशन के बच्चों को चटपटा खाना कितना पसंद है। उन लोगों को खाना मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चटपटा खाना उनको खाना ही है। वो लोग कहीं भी देखते हैं मार्केट में चटपटा चीज़, वो लोग उसे खाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ चाइनीज़ फूड के बारे में बात करने वाले जो कि हमारे इंडिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और दोस्तों यदि आप लोग ये बिजनेस करते हैं तो इस बिजनेस के माध्यम से आप हर महीने 40 से 50,000 रुपये कमा सकते हैं, वो भी बहुत ईजी तरीके से और बहुत कम इन्वेस्टमेंट से। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले मोमोज, पंच फ्राई और बर्गर के बारे में। दोस्तों ये बिजनेस काफ़ी तेज से ग्रो कर रहा है और इस बिजनेस में लोग अच्छे खासे पैसा कमा रहे हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें और कैसे पैसा कमाना चाहिए। दोस्तों हम बात करने वाले हैं मोमोज के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज के टाइम में दिल्ली हो, मुंबई हो या बिहार हो, मोमोज, फ्रेंच फ्राई और बर्गर बहुत तेज़ी से लोग आकर्षित होते हैं की तरफ और वे लोग डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को चाइनीज़ फूड को लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं क्योंकि इन लोग का टेस्ट बहुत अलग होता है। और दोस्तों यदि आप लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस के माध्यम से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आपके लिए बस एक जगह चुनिए जहाँ ज़्यादा लोग आते हैं, जैसे कि पार्क, स्कूल या फिर हॉस्पिटल या फिर और भी जहाँ भीड़ भाड़ का ज़्यादा हो, आप ऐसी जगह में दुकान लगाइए तो आपका सेल बहुत ज़्यादा होगा। और दोस्तों इस बिजनेस में लोग एक दिन में 2500-3000 रुपये कमाते हैं। और दोस्तों यदि आप लोग इस बिजनेस को करते हैं तो आप भी इस बिजनेस से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं।